बहुओं को बेटियों को बहुत इज्जत देते हैं, संदीप मात्रा नहीं देते होंगे, उनके घर में नहीं देते होंगे, ठीक है, नहीं देते, इसीलिए जो स्मृति ईरानी ने दूसरे के पति को हड़प लिया था। हमारे में अपने पति की भी बहुत इज्जत है और पत्नी की भी बहुत करते हैं। ये बीमारियों से बचाएंगे हमारे देश की जनता को, ये संस्कारों में लाएंगे हमारे लोगों को। सिर्फ राजनीति, बीजेपी का एक खून में एक ही तंत्र, सिर्फ राजनीति, साम दाम दंड भेद करो, बीजेपी डूब मरो, राजनीति करो। किसी मीडिया वालों ने गृह मंत्री जी का बयान सुना कोई बेटियों के बचाव में, बेटियों के साथ जो इतनी दुर्दशा हुई नहीं सुना, और आज गृह मंत्री जी कोरोना का इलाज करा करके अर्णव गोस्वामी के बचाव में आ गए हैं। तो साफ दिखता है, आईना है ना, समाज उस आईने में देख रहा है कि भाजपा सरकार किसको बचा रही है और किसको फंसा रही है। मैं तो तुम अपना पांव जमा नहीं पाए, देश की जनता को बचाने के लिए कुछ इतिहास बना लो, ये तोता नचाना मोर खिलाना छोड़ो, बेटियों के इज्जत सम्मान आबरू के लिए कम से कम अपनी जो सरकार के नेता है तुम्हारे, उनको कहिए क्षेत्रों में पैदल जाइए, अपने गली कूचे में जाइए, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने पार्षदों को कहिए कि आप लोग अपने एरिया में जाइए, विजिट करिए, कौन सी बेटी सुरक्षित है, कौन सी बेटियां सुरक्षित है। आप डीएम से बात करिए, आप गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, इतने जगह बलात्कार हुए बेटियों के साथ में, कहीं भी हमारे गृह मंत्री का बयान आया आपने सुना, किसी मीडिया वालों ने गृह मंत्री जी का बयान सुना कोई बेटियों के बचाव में, बेटियों के साथ जो इतनी दुर्दशा हुई नहीं सुना, और आज गृह मंत्री जी कोरोना का इलाज करा करके अर्णव गोस्वामी के बचाव में आ गए हैं। तो साफ दिखता है, आईना है ना, समाज उस आईने में देख रहा है कि भाजपा सरकार किसको बचा रही है और किसको फंसा रही है। हमारे देश में बेटियों के पांव धोए जाते किस दिन धोए जाते हैं, नवरात्रे वाले दिन, उस दिन ये बेटियों को ढूंढ के ला रहे। मैं अभी भी आज इस मंच से आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, इतनी दरिंदगियां हो गई है कि बच्चों ने बेटियां पैदा करनी छोड़ दी। बच्चे कह रहे हैं, हमारे खुद की बेटियां कहती है, मम्मी अगर बेटी होगी तो क्या होगा। देखो कितने हमारे लिए, कितने भारत के अंदर हम लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात हो गई है, कितना विचार नहीं हमारे लिए जीवन हो गया। हमारे बच्चे कह रहे हैं, माँ अगर हमारी बेटी होगी तो हम कैसे पालेंगे, क्या होगा हमारे साथ में। जिस देश में नवरात्रों में बेटियों को ढूंढ करके पांव पूछते हैं, उस देश के नेता योगी आदित्यनाथ जी बरात में पानी रख के बेटी को खड़ा करके पैर धो रहे थे, आपने सबने देखा होगा। लेकिन जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी जीभ काट दी तो योगी आदित्यनाथ की जुबान बंद हो गई, ताले लग गए। क्यों? क्योंकि उसमें भाजपा लोगों का हाथ है, इसलिए वो उसको बचा रहे। यूपी की पुलिस मेरी नेता प्रियंका गांधी जी का कुर्ता तो पकड़ सकती है खींच के, लेकिन बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं दिला सकती। उनको घर से पकड़ करके तुरंत जेल नहीं भेजा उन्होंने, उनको खुली छूट दे रखी है। जब समाज बाहर निकल के आया तब जाके खाना पूर्ति पूरी कर रहे हैं कि चलो जी पूछताछ हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अरे भाई, जो लड़की के साथ इतनी दुर्दशा हो गई, तुम्हारी आत्मा तब नहीं जागी, तुम्हें जब देश हराएगा, तुम्हारा बस्ता बंद करेगा, वह कहीं मैं तुम्हें फकीर बना के भेजेगा, तब तुम्हारी आत्मा। मेरा आपसे एक सवाल है, अभी हाल ही में जब अर्णव की गिरफ्तारी होती है तब संबित पात्रा कहते हैं कि इटालियन माफिया ने ये गिरफ्तार कराया है सोनिया गांधी को। पहली बात हम ये कहते हैं, संबित पात्रा को इतनी होश होनी चाहिए डॉक्टरी पढ़ने के बाद में, कि हिंदुस्तान में जिस लड़की की शादी हो जाती है वो उस देश की नागरिक ना तो नागरिक रहती है, ना उसकी जात उसके साथ जुड़ती है। संबित पात्रा को ये समझना चाहिए कि सोनिया गांधी जी हिंदुस्तान की बहू है, और हमारे घर में, हमारे संस्कारों में, हमारे हिंदू धर्म में बहुओं को, बेटियों को बहुत इज्जत देते हैं, संदीप पात्रा नहीं देते होंगे, उनके घर में नहीं देते होंगे, ठीक है, नहीं देते, इसीलिए जो स्मृति ईरानी ने दूसरे के पति को हड़प लिया था। हमारे में अपने पति की भी बहुत इज्जत है और पत्नी की भी बहुत करते हैं। मान सम अगर जिससे मेरी शादी हुई है वही मेरा पति है, जिससे मेरी बेटी की शादी हो वही उसका पति है, जो संस्कार, जो जात, जो नाम मुझे शादी करके मिल गया वो मेरा है, मैं उसकी हूँ।
मैं आज बवारी हूँ, मेरी माइके की काश गुणवंत है, मुझे कोई गुणवंत नहीं बोलता, मुझे बवारी बोलते। तो सोनिया गांधी जी क्या है, हिंदुस्तान की राजीव गांधी जी की पत्नी है, इंदिरा गांधी जी की बहू है, हमारी नेता है, वो कट्टर हिंदुस्तानी है। एक उदाहरण, हम लोग जब गलियों में जाते हैं, हमारे भी कई लोग बहू बेटियां जब बालपन में विधवा हो जाती है ना, अच्छे अच्छे घरों की भी होती है, वो क्या करते हैं भाई यार, दूसरी शादी कर लेते हैं ना, कई लोग करते हैं। माँ बाप कहते नहीं करो, आप कैसे गुजर बसर करोगे। मुझे गर्व है अपनी सोनिया गांधी जैसी नेता, मेरी नेता ने इस कच्ची उम्र में, जिस उम्र में उनको क्या था, छत्र छाया चाहिए थी पूरे परिवार की, उनके बच्चों को अनाथ कर दिया इस देश के लोगों ने। कौन थे वो लोग, गांधी जी को मारने वाले कौन थे, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कौन थे, राजीव गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कौन थे, सोनिया गांधी जी को कमजोर करने वाला षड्यंत्र तंत्र कौन सा है, सब यही तंत्र तो है क्या, देश में बैठा हुआ है। ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी को ऐसा बोल दो, राहुल गांधी जी को गिरा दिया वहां उस दिन पुलिस वालों ने, उनको शर्म तो आती नहीं है कि हम किस पे हाथ डाल रहे हैं। सोनिया गांधी जी जितनी बखूबी अपना स्त्रीत्व धर्म, अपना भारतीय धर्म, अपनी इज्जत आबरू के साथ अपने परिवार को पाल के देश का नेतृत्व कर रही है, देश की गरीबों के लिए लड़ झगड़ रही है, उस महान हस्ती को तो हम नमन 100 बार सलाम करेंगे। मोदी जी अपनी घर गृहस्थी संभाल नहीं पाए, संबित पात्रा जी डॉक्टर होके कोरोना काल में सुई से मास्क सिल रहे हैं, उम्मीद करेंगे हम लोग ये बीमारियों से बचाएंगे हमारे देश की जनता को, ये संस्कारों में लाएंगे हमारे लोगों को। सिर्फ राजनीति, बीजेपी का एक खून में एक ही तंत्र, सिर्फ राजनीति, साम दाम दंड भेद करो, बीजेपी डूब मरो, राजनीति करो।